हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। माउंट आबू में -4 पर पहुंचा तापमान, कड़ाके की सर्दी के चलते जलाशयों में जमी बर्फ की परत। कड़ाके की सर्दी के बीच जनजीवन अस्त व्यस्त, सर्दी के शौकीन लोग पहुंचे जलाशयों के नजदीक। राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर माउंट आबू में आज मैदानी इलाके में बर्फ की चादर नजर आई, तो वही मैदानी इलाके में जमा पानी बर्फ में तब्दील हो गया और इसी के चलते आज हिल स्टेशन में -4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड दर्ज किया गया। वहीं कड़ाके की सर्दी को लेकर माउंट आबू की वादियों में जलाशय में जमी बर्फ की परत के साथ साथ घरों के बाहर रखा पानी भी बर्फ में तब्दील होता हुआ नजर आया। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ साथ जो आने वाले सैलानी हैं, वो भी गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आए और इस सर्दी से बचने को लेकर लोगों ने अल सवेरे अपनी दुकानों के बाहर अलाव जलाकर सर्दी से बचने का प्रयास करते हुए भी नजर आए। सर्दी के प्रकोप को लेकर जहां पूरे देश भर में आज माउंट आबू का इकलौता हिल स्टेशन सबसे ठंडा शहर भी रहा और यहां मैदानी इलाकों के साथ साथ घर में रखे पानी में भी बर्फ की परत देखने को मिली, वहीं सर्दी के शौकीन के कुछ लोग आज सवेरे जलाशयों के नजदीक पहुंचे और जमी बर्फ को अपने हाथों में लेकर स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटक भी काफी खुश नजर आए और आने वाले सैलानी इस बदले मौसम को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और अभी भी सैलानियों का हिल स्टेशन में आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज आपके हाथ में बर्फ का टुकड़ा, ये क्या फ्रीज से लिया हुआ है या पानी जमा है? नहीं, मेरे सामने एक नाला है, पास में ओरिया ग्राम पंचायत में हम लोग आए हुए, वहाँ से हमने उस नाले में से इतने बड़ी बर्फ का टुकड़ा उस नाले से निकाला है हमने। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।